वेलकम बैक दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके फेवरेट शो इटर्नल हेल्थ में। जी हाँ, ये एक ऐसा शो है जहाँ आपकी सारी समस्याओं का हल यूं मिल जाता है। चलिए हमें तुरंत फोन करिए, हमारा नंबर है 01294088152। डॉक्टर साहब, हम इतनी अच्छी चीजों के बारे में आजकल बात करते हैं, आयुर्वेद के बारे में, सूक्ष्म आयुर्वेद, तो मुझे लगता है हमारे कॉलेज के पास इतने सारे सवाल हैं कि मैंने अभी नंबर दिया और तुरंत फोन आ गया है। लेट्स टेक अ फोन कॉल। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हाँ जी नमस्ते मैम, मैं डॉक्टर साहब से बात कर रही है। जी बिल्कुल, मैं जान सकती हूँ आप कहाँ से बोल रही हैं, आपका नाम? हाँ जी, मैं सपना बोल रही हूँ चंडीगढ़ से। सपना जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल डॉक्टर साहब से। हाँ जी सर, मेरी ना बैक में नीचे की साइड, राइट साइड में बहुत पेन रहती है। मतलब अच्छा। जैसे मैं खड़ी होंगी मुझसे बैठना मुश्किल हो जाता है थोड़ी देर के बाद। तो दर्द वो टांग में नीचे तक जाता है या केवल बैक में रहता नहीं, है? नहीं जी, नहीं नीचे तक नहीं जाता, सिर्फ बैक में ही रहता है। तो आपने नीचे इसका के पोर्शन में, एक साइड में ही रहता है, राइट साइड में। राइट साइड में जाता है, इसका कोई चेकअप किया आपने, कोई एक्सरे एमआरआई स्कैनिंग? एक्सरे वगैरह तो अभी नहीं करवाया, लेकिन नहीं कराया? मैं चलो कोई बात नहीं, मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ। कोई बात नहीं, अगर नहीं कराया, देखिए इसमें जो मेन इसका कॉज होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मरीज आते हैं इस तरह के। इसमें क्या होता है कि जो लोअर बैक है आपकी, वहां पर जो हमारी जो वर्टेब्रज होती हैं उसके साथ जो मसल्स या मांसपेशियां जुड़ी होती हैं उनमें थोड़ी स्टिफनेस आती है। उसका कारण हमारे यहाँ बार बार हम कहते हैं वही आम, आम जो पेट में बनता है वही जाके वहां जमता है। जब वो अकड़ जाती है तो उसके नीचे जो आपके हिप्स की तरफ राइट साइड में जो नर्व आ रही है वो नर्व दब जाती है उसके नीचे, तो इसलिए उस एरिया में दर्द हुआ करता है। तो इसके लिए बहुत साधारण सा हमारे पास एक इलाज है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। एक तो खाने वाला इलाज है, हाँ जी, उसमें मेथी, सौंठ और हल्दी तीन चीजों का बिल्कुल पाउडर आप ले लीजिए, मिलाकर के बराबर बराबर मात्रा में तीनों को, और उसको एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम को गर्म पानी से सेवन करना है। हाँ जी। नंबर दो, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ये अच्छा इलाज मैं बता रहा हूँ आपको। तिल का तेल लेकर के उसमें थोड़ी अजवाइन, सौंठ और लहसुन वो डाल करके पका लीजिए अच्छी तरह से। अजवाइन, सौंफ और लहसुन? लहसुन? हाँ जी। जब वो पक जाएगा तो उसको छान करके उस तेल को हल्का गर्म करके, और जिस जो आपकी नीचे की कमर की रीढ़ की हड्डी का जो नीचे वाला हिस्सा है उस उसके चारों तरफ आपको इसको बिल्कुल हल्के हाथ से मसाज करना है। हाँ जी। और जब आप मसाज कराएंगे वहां किसी से तो एक हिस्से में कहीं आप देखेंगे कि टच करने से, वो राइट साइड में मिलेगा आपको, टच करने से आपकी उस जगह पर दर्द होगा ज्यादा, केवल टच करने से। तो उसको थोड़ा सा प्रेशर दे के मसाज कराइए। हाँ जी। क्योंकि जब उस पर प्रेशर लगेगा तो वो मसल रिलैक्स हो जाएगी और नस का प्रेशर हट जाएगा, इस प्रकार से आपका ये दर्द ठीक हो जाएगा। अगर पॉसिबल हो तो तेल लगाने के बाद उसमें थोड़ी सी भाप लगाएं। हाँ जी। और भाप नहीं लगा सकते हैं तो कोई गर्म पानी की बॉटल जो रबर की होती है उसमें गर्म पानी भर के उससे सिकाई करें, और थोड़ा सा हफ्ता 10-15 दिन तक थोड़ा सा ज्यादा एग्जर्शन ना करें, रेस्ट करें थोड़ा। हाँ जी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको हमेशा याद रखिए, आम बनाने वाली चीजें, बादी वाली चीजें जिनको हम बोलते हैं, उड़द, राजमा, छोले बहुत ज्यादा खाते हैं पंजाब में, मेरे को मालूम है चंडीगढ़ में लोग बहुत प्रयोग करते हैं इस चीज का, पराठे, पकौड़े, समोसे, इनको कृपया करके कम से कम 4-6 हफ्ते बिल्कुल टच मत करिए। हाँ जी। मूंग की दाल, घिया, तोरी, टिंडा, इस तरह की हरी सब्जियां ज्यादा खाइए। आप इन दोनों नुस्खों का अच्छे से इस्तेमाल करिए और एक महीने बाद हमें फिर से फोन करिए या फिर हमें लिखिए और बताइए कि आप कैसा महसूस करती हैं। हाँ जी ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जैसे हमारी दिनचर्या है और जिस तरह का एनवायरनमेंट एक्चुअली आजकल हो गया है, हम जितना भी चाहें अपने मन को शांत रखना, अपने चित्त को एकदम ठीक रखना, पर कभी कभी घर में रिलेशंस में प्रॉब्लम हो जाती है या हमारे बॉसेस के साथ डिफरेंसेस हो जाते हैं, कलीग्स में परेशानी होती है, तो जब एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतने नेगेटिव हैं तो इंसान अपने हार्ड डिस्क को वायरस फ्री कैसे रखेगा? ये तो देखो बहुत कॉमन चीज है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सारी अवस्थाएं होती हैं क्योंकि जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। और रहना तो है, लाइफ भी जीनी है, ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से छोड़ के जंगलों में चले जाएंगे, वो टाइम तो है नहीं अभी जी। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एक टिप मैं हमेशा लोगों को बताया करता हूँ कि आपको अपने माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा।
क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे घर से तो बाहर नॉइज भी है, पोल्यूशन भी है, बॉस भी है, जॉब भी है, और कितनी तरह की और डिस्टरबेंसेस हैं। और ये नेचुरल है कि जब बाहर डिस्टरबेंस है तो वो हमारे माइंड को डिस्टर्ब करेगा। तो अगर माइंड मेरा वीक होगा तो ज़्यादा डिस्टरबेंस होगी। अगर माइंड स्ट्रांग होगा, जैसे कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो जो मजबूत पेड़ होते हैं वो उनको वो खड़े रहते हैं, उन पर ज़्यादा डिस्टरबेंस नहीं अटल होती। रहते हाँ, हैं। और जो कमज़ोर होते हैं वो इधर उधर ज़्यादा घूमते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, टूट भी जाते हैं। तो इस प्रकार से मेरे क्लिनिक में आजकल मैं देखता हूँ जितने भी केसेस आते हैं डिप्रेशन वाले, एंजाइटी और नर्वस प्रॉब्लम्स, उसमें अधिकतर को मैंने यही देखा है कि माइंड वीक होता है, उनके अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। वो बेचारे सही हैं, अच्छा काम करते हैं, अपना काम ठीक से करते हैं, लेकिन उनके आसपास इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसी चीज़ है अवश्य जी जो कि डिस्टर्बिंग है, तो वो उसको जो है अब उसको रोक नहीं पाते, वो उनके अंदर जा करके डिस्टर्बेंस करती है। जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि अ स्ट्रॉन्ग माइंड लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, तो बिल्कुल। तो उसी तरह इसमें से हमारे यहाँ पर आयुर्वेद में एक बताया गया है कि हमें उसके लिए क्या करना है, माइंड को स्ट्रांग करने के लिए सत्व गुण को बढ़ाना है। हमारे तत्वगुण मतलब माइंड में तीन गुण होते हैं, तीन जी प्रकार की क्वालिटीज होती हैं, ऑपरेशनल क्वालिटीज बोलते हैं इनको, जिनसे कि हमारा माइंड ऑपरेट करता है। सत्व गुण मीन्स प्योर क्लीन रिलैक्स्ड माइंड, पीसफुल माइंड। पीसफुल जी माइंड। जी तो जैसे हमारे अंदर सत्व गुण अधिक होगा तो माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स्ड और पीसफुल रहेगा, चाहे बाहर कितना ही डिस्टरबेंस हो। मुझे इस बात का हमेशा यही मैं सोचती हूँ कि हम हमेशा आयुर्वेद के पॉजिटिव्स के बारे में लोगों को बताते हैं, उनकी जी मदद करते हैं। तो इस प्रोग्राम के जरिए इतने ही लोग हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, जो सच में हमारे शो को देखने के बाद एट पीस हो जाते होंगे, क्योंकि बिल्कुल बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं आपको समझ नहीं आता, आप किससे पूछें। इसी बात पे एक फोन कॉल लेते हैं। हेलो जी, आपको हमारी आवाज आ रही है, यस आपका स्वागत है इटर्नल हेल्थ में। हाँ, थैंक यू मैम। आपका नाम, आप कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ, मेरा नाम है राशि रहेजा, मैं इंदौर से बात कर रही हूँ। इंदौर से? या बहुत सुंदर जगह है इंदौर। या बताइए डॉक्टर साहब, आपका इंतजार कर रहे हैं, बताइए आपकी प्रॉब्लम। ओके डॉक्टर साहब, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ हाँ जी, और आई एम डूइंग माय मास्टर्स कोर्स, अच्छा तो हमको टीवी वगैरह ज्यादा देखना पड़ता है, वी आर इन मीडिया, सो आई हैव अ लो आई साइट एंड आई एम हैविंग द स्पेक्स ऑल्सो। सो फिर जब पढ़ाई करते हैं तो फिर ज्यादा जब एग्जाम्स का वक्त होता है तो रात में पढ़ाई करना पड़ता है अक्सर, तो उस वक्त मेरे को आंखों में बहुत दर्द होता है, तो उसके लिए आप कुछ घरेलू इलाज बताएंगे या कुछ एक्सरसाइजेस जिससे कि मेरी आंखों की तकलीफ दूर हो सके। देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कारण है वो खुद ही मुझे बता दिया है अपना, कि आप अपनी आंखों का अधिक प्रयोग कर रहे हैं। हमारे यहाँ इसको अति योग बोलते हैं आयुर्वेद में, कि इंद्रियों का अति योग मतलब जरूर जितना नॉर्मल से ज़्यादा उनका प्रयोग करना। रात को भी आप कंप्यूटर पे काम करते हैं और मीडिया में काम करते हैं, टीवी भी ज़्यादा देखते हैं, तो इतना तो जरूर करना चाहिए कि एक अपना एक रूटीन बनाइए आप। क्योंकि आपको ये नहीं भूलना है कि एंड ऑफ द डे आप अपनी आंखों को तो खराब नहीं करना चाहते ना आप। ठीक है, आपका प्रोफेशन है तो या तो उसमें आपने एक काम करना है कि हर 3 घंटे के बाद आप ठंडे पानी से आंखों को धोइए, ठीक है, हाँ और जब शाम को जब आपका काम समाप्त हो जाता है उस टाइम जब घर जाते हैं उस टाइम आंखों में गुलाब जल डालिए आप, दो दो बूंद दोनों आंखों में, खीरे का गोल वो काट करके वो आंख के ऊपर रखिए। क्योंकि ये कमजोर क्यों हो रही है आंख आपकी, कि दिन भर आप जो टीवी देखते हैं या कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट आपकी आंख के अंदर चली जाती है, और हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि आंख के जो देखने का कार्य है वो पित्त से कंट्रोल होता है। तो या पित्त जब बढ़ेगा, गर्मी जब बढ़ेगी तो वो आपका देखने का काम खराब हो जाता है उसमें। थैंक थैंक यू यू। सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। डॉक्टर साहब, ये समस्या सिर्फ इन कॉलर की नहीं है, मेरे ख्याल से आजकल इस जमाने के बहुत सारे बच्चों की आंखें कमजोर होती जा रही हैं, जी तो आई एम श्योर हमारे व्यूवर्स ये टिप्स जरूर अपनाएंगे। हाँ बिल्कुल, और इससे जो है उनको लाभ भी मिलेगा। बिल्कुल, चलिए इसी पॉइंट पे दर्शकों हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपको हमें फोन करना है। हमारा नंबर है 0129-4088-152। हमें फोन करिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जड़ से मिट जाएं, वो भी आयुर्वेद के जरिए। चलिए हमें फोन करिए, मिलते हैं बस थोड़ी सी देर में।